कहीं मिशेल मामा की सौदेबाजी से ही तो उस समय का दिल रुक नहीं गई थी। साथियों, इन तमाम सवालों का जवाब जांच एजेंसियों तो ढूंढ रही है, देश की जनता भी जवाब मांग रही है। बिचौलियों के जो भी हमदर्द है उनको देश की सुरक्षा से किए गए खिलवाड़ का जवाब देना होगा। कमीशन खोरों के सारे 10 दोस्त इकट्ठा होकर चौकीदार को डराने के सपने देख रहे हैं, लेकिन मोदी है दूसरी मिट्टी का बना हुआ है। न उसे खरीद पाओगे, न उसे डरा पाओगे। इस देश के लिए वो पाई पाई का हिसाब लेके रहेगा। लेकिन मुझे पता है उनको बहुत निराशा हाथ लगने वाली है, क्योंकि एक चौकीदार न सोता है और कितना ही अंधेरा क्यों न हो, वो अंधेरे को पार करके चोरों को पकड़ने की ताकत रखता है। भाइयों और बहनों, चौकीदार को ये शक्ति, ये चौकीदार की शक्ति का कारण क्या है? मैं आपसे पूछता हूं, ये चौकीदार की शक्ति का कारण क्या है? वो कौन सी ताकत है? भाइयों बहनों, आपके आशीर्वाद यही चौकीदार की ताकत है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, वो लोग लाख मुझे गाली दे, लगातार झूठ बोले, बार बार झूठ बोले, जहां चाहे वहां झूठ बोले, जोर जोर से झूठ बोले, लेकिन चौकीदार ये सफाई अभियान को बंद नहीं करेगा। न्यू इंडिया के लिए बिचौलिया, इससे मुक्त व्यवस्था का निर्माण होनी चाहिए। इसी विश्वास के साथ एक बार फिर तमाम विकास परियोजनाओं के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। पुढील आठवड्यात मकर संक्रांत आहे, मला कल्पना आहे की या काळात सोलापूरमध्ये श्री सिद्ध रामेश्वरांची फार मोठी गड्ड्याची यात्रा भरते। मकर संक्रांत आणि गड्डा यात्रा निमित्त आपण सर्वांना मनःपूर्वक शुभेच्छा। आणि आज वेळ आहे, तिळगुळ द्या, गोड गोड बोला। ಎಲ್ಲರಿಗೂ मकर संक्रांति ಮತ್ತು ಗಡ್ಡ ಯಾತ್ರೆಯ हार्दिक ಶುಭಾಶಯಗಳು। ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಿ, ಸಿಹಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಬೋಲ ಬೋಲ ಏಕದಿ ಭಕ್ತಲಿಂಗ, ಬೋಲ ಬೋಲ ಏಕದಿ ಭಕ್ತಲಿಂಗ, ಹರ್ ಬೋಲ ಹರ್। श्री सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। हर। बहुत बहुत धन्यवाद।